हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, एक नया टॉपिक जो स्टार्ट किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले डेफिनेशन दी थी और डेफिनेशन के बाद में हमने क्या करा था, उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डेरिवेट करे थे, निकाल करके लाए थे रिजल्ट उनका। आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। किसका निकालना है? एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी किस प्रकार से डिफाइंड है? व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन के। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू है टी बाई के। व्हेन टी इज ग्रेटर देन के तो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वन। अब देखिए बच्चों, सोल्यूशन देते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ये था डेफिनेशन। अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास में जीरो और इन्फिनिटी, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी से, टी के से बड़े, के कहीं बीच में वैल्यू आ रही है। तो देखिए, एक लिमिट बनाएंगे बच्चों ये, और एक लिमिट बनाएंगे ये। किससे बनाएंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। ए से बी तक कोई इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों, अगर हमारे पास में ए और बी के बीच में सपोज करिएगा कोई वैल्यू सी लाई कर रही है, तो पहले इंटीग्रेशन ए से सी तक का कर लें एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर सी से लेकर के बी तक का कर लें एफ एक्स फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हम इसी फॉर्मूले का, इस प्रॉपर्टी का यूज करके जो है अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एच टी ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू के प्लस इन्फिनिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई टू द पावर माइनस एच टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम, अब क्या करेंगे, के से लेकर के से इन्फिनिटी तक, क्योंकि के से बड़ी वैल्यू के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू वन है। अब यहां पर बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या है, टी अपॉन के, टी अपॉन के डी टी। और बच्चों लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट के प्लस e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, जब टी ग्रेटर देन है के से तो हमारे पास में एफ ऑफ टी की वैल्यू वन वन डी टी। ये हमने क्या कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस प्रकार से ब्रेक कर लिया। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और हम जो है इसके लिए इंटीग्रेट करके बच्चों क्या कर लेंगे,
लिमिट्स पुट कर देंगे, सलूशन आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एफ ऑफ टी इक्वल टू, देखिए वन अपॉन के कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन के बाहर लिखिए, यहां इंटीग्रेशन टी ई टू द पावर माइनस एस टी, टी और ई टू द पावर माइनस एस टी। अब बच्चों देखो आईलेट से देख लो इनवर्स फंक्शन कहीं नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, एलजेब्रिक फंक्शन ये है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और बचा हुआ फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो हम यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं, और चेन रूल आप लोगों को पता होगा जैसे यू वी का इंटीग्रेशन करना, और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और b का इंटीग्रेशन, ये b वन से डिनोट कर दिया v के इंटीग्रेशन के लिए, माइनस फॉर्मूले में u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन को u वन से डिनोट, फिर b वन का इंटीग्रेशन को हमने b टू से डिनोट कर दिया, प्लस फॉर्मूले में u वन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, u टू से डिनोट कर दिया, b टू का हम करेंगे इंटीग्रेशन बी थ्री लिख दिया। इस प्रकार से तब तक चलता रहेगा जब तक इस U का जिसे फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया है इसका डिफरेंशिएशन जीरो ना हो जाए। जैसे ही जीरो होने के नेक्स्ट जिस स्टेप में जीरो होगा उसी स्टेप से पहले वाले स्टेप पर रुक जाएंगे बच्चों। तो देखिए अप्लाई करते हैं, वन अपॉन के ये लिख दिया, टी फर्स्ट फंक्शन है और ई टू पावर माइनस एस टी हमारे पास में सेकंड फंक्शन, टी फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो हमारे पास में बच्चों क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये आप लोगों ने एक ट्वेल्थ में फॉर्मूला पढ़ा था, इंटी टू पावर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वन अपॉन ए टू पावर ए एक्स प्लस बी एज इट इज, तो टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो टी का कोएफिशिएंट माइनस एस आ गया, फिर ऊपर जो पावर है उसे फिर ई टू पावर माइनस एस टी एज इट इज लिखा लेने देंगे, तो ये हमारे पास में तो ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आया ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। फिर बच्चों हमारे पास में माइनस फॉर्मूले में था ये इंटीग्रेशन आया, इसे ब्रैकेट में टी का डिफरेंशिएशन वन और फिर e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आया e टू द पावर फिर से माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और एक माइनस एस ऑलरेडी था, ये माइनस एस और माइनस एस क्या हो गया हमारे पास में एस स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे नहीं क्योंकि ये वन का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहां तक डिफरेंशिएशन हो गया इंटीग्रेशन बच्चों, और लिमिट क्या थी जीरो से लेकर के k तक थी, जीरो से लेकर के k तक थी, प्लस यहां e टू आवर देखो ये तो वन है, e टू आवर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और बच्चों लिमिट के से लेकर के इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, ये मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखते हैं आगे कर लेते हैं इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए, वन अपॉन के
टी के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करा दोनों के लिए, तो टी के स्थान पर ये वैल्यू पुट करें, टी के स्थान पर के पुट करें, तो क्या आया, के e टू द पावर माइनस एस के अपॉन माइनस एस, माइनस एस यहां यूज कर ली। अब हम ये के की वैल्यू यहां पुट करें, माइनस e टू द पावर माइनस एस के अपॉन एस स्क्वायर, ये अपर लिमिट में पुट कर दिया बच्चों, अपर लिमिट पुट हो गई। अपर लिमिट पुट करने के बाद इस अपर लिमिट को ब्रेकेट में ले लें, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों देखें लोअर लिमिट ठीक है, स्थान पर जीरो पुट करें, यहां जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा माइनस, और यहां इसमें जीरो पुट करेंगे e टू द पावर माइनस जीरो, तो इसे हम वन अपॉन e टू द पावर जीरो और e टू द पावर जीरो वन, तो वन हो गया, तो वन अपॉन एस स्क्वायर एज के रहा। तो ये बच्चों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पुट कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं, अब इसको देखें प्लस, यहां पुट करें अपर लिमिट e टू द पावर माइनस एस इंटू टी, टी की जगह इंफिनिटी पुट करें तो माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस एस, माइनस फॉर्मूले में, और अब के पुट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, e टू द पावर माइनस एस के अपॉन माइनस एस, ये लोअर लिमिट पुट कर दी गई। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पुट कर लें बच्चों, क्या कर देते हैं ब्रेकेट तो वो एक्सपेंड कर लेते हैं, ब्रेकेट ओपन कर देते हैं, माइनस के e टू द पावर माइनस एस के अपॉन एस, माइनस e टू द पावर माइनस एस के अपॉन एस स्क्वायर, ये बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो गई वन अपॉन एस स्क्वायर, ये बच्चों इसे सर्कुलर ब्रैकेट प्लस प्लस। यहां देखिए बच्चों e टू द पावर माइनस इंफिनिटी वन अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी ले सकते हैं, और ये वन अपॉन इनफाइनाइट, और ये वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है जीरो होता है, तो ये जीरो अपॉन माइनस एस, तो ये जीरो आ गई माइनस, ये सिंपलीफाई कर लिया माइनस, ये माइनस और ये माइनस बच्चों क्या हो गया प्लस e टू द पावर माइनस एस के माइनस एस के बच्चों अपॉन एस, ये माइनस माइनस प्लस कर लिया, ये यूज कर लिया। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया किसका, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ गया, अब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो वन अपॉन के से मल्टीप्लाई, माइनस के से के कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस के अपॉन एस, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कैंसिल आउट नहीं होगा, वन अपॉन के एस स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस के, और यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस वन अपॉन के एस स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एस के अपॉन एस। बच्चों देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हुआ, तो क्या हुआ माइनस, इसमें से अब हम फिर से कॉमन ले लें वन अपॉन के प्लस का ही कॉमन ले लें, तो बच्चों हमारे पास में ये प्लस का बचा वन अपॉन एस स्क्वायर, और बच्चों एस स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है,
तो के एस स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये वन बचा हमारे पास में, वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस के। तो ये बच्चों हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। देख लेते हैं इस सलूशन को, ई टू द पावर सही है बच्चों, ये हमारे पास में क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया। अब बच्चों ये समझता हूँ मैं, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।